हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। जब बात हो टॉप क्लास एक्शन और A1 कॉमेडी की और स्क्रीन पर हो बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अपने अक्षय कुमार, तो फिर मूवी का हिट होना मानो तय है। 18 फरवरी को रिलीज हुए बच्चन पांडे के ट्रेलर ने एक बार फिर बॉलीवुड लवर्स के मन में जान फूंक दी है। जहां ट्रेलर देखने के बाद हर कोई बस यही कहता नजर आ रहा है कि अपने खिलाड़ी जैसा कोई नहीं, और ये बात एकदम सच है बॉस। अक्षय कुमार इस मूवी में बच्चन पांडे के लीड रोल में नजर आए हैं, जिसमें उनका लुक और उनकी कॉमेडी ने मानो आग सी लगा दी है। उनकी डायलॉग डिलीवरी हो या फिर एक्शन सीन्स, पूरे ट्रेलर में अक्षय कुमार अपने फैंस को एंटरटेन करते हुए दिखाई दिए हैं। ट्रेलर रिलीज होते ही अक्षय कुमार के फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं और हर कोई अक्षय की जबरदस्त एक्टिंग की ही तारीफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। फरहाद सामजी द्वारा डायरेक्टेड ये मूवी साल 2014 में आई तमिल फिल्म जिगर थंडा का हिंदी रीमेक है, जो कि खुद साल 2006 में आई साउथ कोरियन मूवी अ डर्टी कार्निवल पे बेस्ड थी। जैसा कि ट्रेलर देखने से साफ पता चल चुका है कि बच्चन पांडे बागवा का रहने वाला एक किलर है, जिसके नाम से भी लोग कांपते हैं, और उसी की लाइफ पर अपनी मूवी बनाने बागवा पहुंच जाती है मायरा। अब ये बच्चन पांडे पर मूवी बनाने में सफल हो पाती हैं या फिर खुद एक कहानी बनकर रह जाती हैं, ये तो हम सभी को 18 मार्च को थिएटर्स में जाने के बाद ही पता चलने वाला है। देखिए, बात करें अगर मूवी में दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स की, तो इसमें बॉलीवुड के कई टैलेंटेड और नामी एक्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे कृति सनोन की, जिन्होंने इस मूवी में मायरा देवेकर का किरदार निभाया है। मायरा का सपना है एक यूनिक कहानी पर मूवी बनाना। मायरा के किरदार में कृति काफी फिट नजर आई हैं और उनकी एक्टिंग भी काफी इम्प्रेसिव लग रही है। मूवी में हमें जैकलीन फर्नांडिस भी नजर आने वाली हैं, जिन्होंने बच्चन पांडे की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया है और उनका नाम है सोफी। इसके अलावा आपने सर्किट भाई यानी अर्शद वारसी विश्व के किरदार में दिखाई दिए हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी एक्टिंग बहुत ही रॉ और नेचुरल दिख रही है। मुन्ना भाई की ही तरह इस मूवी में भी ये ऑडियंस को अपना दीवाना बना ही लेंगे। इनके अलावा पंकज त्रिपाठी एज भावेश सर, संजय मिश्रा एज बफरिया चाचा, अभिमन्यु सिंह एज पेंडुलम और प्रतीक बब्बर एज कांडी काफी यूनिक और मजेदार रोल्स में दिखाई दिए हैं, और इनकी झलक देखने के बाद आप इतना अंदाजा तो लगा ही गए होंगे कि मूवी में एक्शन और फाइट सीन्स देखने के साथ साथ कॉमेडी भी बेहतरीन तरीके से दिखने वाली है। इसलिए इस बात की तो फुल गारंटी है कि ये मूवी एक मास एंटरटेनमेंट साबित होने वाली है। यूं तो ट्रेलर काफी एंटरटेनिंग है, लेकिन 3 मिनट और 41 सेकंड वाले लंबी ड्यूरेशन के इस ट्रेलर से मूवी के बारे में काफी कुछ पहले से ही रिवील हो चुका है, जहां बच्चन पांडे का किलर बनने की वजह और उसका अपनी गर्लफ्रेंड को मारना जैसे कई पॉइंट्स ट्रेलर में साफ साफ दिखाई दिए गए हैं। अब ट्रेलर में इतना कुछ पहले से ही रिवील कर देना हजम करने वाली बात नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो डायरेक्टर फरहाद सामजी ने बच्चन पांडे की शॉर्ट स्टोरी ट्रेलर के थ्रू पेश कर दी है। खैर, अब आने वाली 18 मार्च को ही पता चलेगा कि मूवी में ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए कौन कौन से ट्विस्ट डाले गए हैं और ये तमिल फिल्म जिगर थंडा को कितनी टक्कर दे पाती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या एक बार फिर अक्षय कुमार अपनी दमदार एक्टिंग से ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाने में कामयाब होंगे, और क्या ये मूवी गजनी और कबीर सिंह जैसी साउथ रीमेक मूवीज की तरह बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।